अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रुमान अहमद एंड एज आपने हमारी टैगलाइन देखी होगी वो है भारत एंड इंडिया, भारत भी इंडिया भी, आदर्शों वाला भारत एंड प्रगति वाला इंडिया। सो हम आज फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करेंगे क्योंकि हमारी टैगलाइन ही वैसी है। सो अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो मेरा रोल बेसिकली एक मॉडर्न गर्ल का है, जैसे आप लोग हैं वैसे मैं भी हूँ। मैं भी फ़ोन यूज़ करती हूँ, आप भी फ़ोन यूज़ करते हैं। सो लाइक टोटली मॉडर्न है और सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे आप कैमरा यूज़ कर रहे हैं, मैं भी करती हूँ। बट जो प्रगति है वो देवसु विलेज को बिल्कुल नहीं जानती, वहाँ पे इन सारी चीज़ों के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। सो कैरेक्टर बेसिकली ये होगा कि वो डिस्कवर करेगी कि ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करना है, कैसे उनके साथ क्या होता है। और वो बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत डेयरिंग है, मॉडर्न है ऑफ कोर्स एंड सुंदर तो है ही। महाराष्ट्र। हाँ जी, मॉडर्नाइजेशन का जैसे सेठ जी का लड़का है आप, हाँ जी, जो इश्यूज आते हैं खाप पंचायत के इश्यूज आ रहे हैं बीच में, ओके, जिसमें जातिवाद का इशू है या अदर रिलीजन का है। Is there anything like this in the show? खाप पंचायत ऐसा कुछ है शो किया गया इसमें या सिर्फ आपकी स्टोरी है? हाँ, लाइक वो एक ऐसा गांव है जहाँ पे बाहर के लोगों का आना अलाउड नहीं है एंड वहाँ के लोग बाहर नहीं जा सकते। बट ये बात प्रगति को नहीं पता होती है, तो स्टोरी उसके ऊपर है कि वो बाय चांस अंदर चली जाती है एंड देन वो कैसे हैंडल करती है सब कुछ। ओके, ये शो के लिए ऑफ कोर्स मैंने ऑडिशन दिया था, इससे पहले मैं म्यूज़िक वीडियो एंड स्टफ कर चुकी हूँ। तो म्यूज़िक वीडियो सबसे जी काफ़ी सारे आप लोग जानते ही हैं। सो म्यूज़िक वीडियो ओके ओके ओके, सो हैव यू हर्ड ख्वाब? ख्वाब या सो बेसिकली यंगस्टर्स के, यस यस, हाँ जी, तो बेसिकली यंगस्टर्स के दिलों में तो मैं ऑलरेडी छा चुकी हूँ, तो मम्मियों और फैमिली के यू नो दिलों में छाने का यही तरीका था। सो ये मेरा नेक्स्ट स्टेप है। नो नो, एक्चुअली ये मेरा पैशन है, मैं खुद को इतना पसंद करती हूँ कि मुझे खुद को देखना बहुत पसंद है। जैसे लोग मेमोरीज बनाते ना मोमेंट्स की, मैं या एग्जैक्टली तो ये मेरी मेमोरीज है, मैं अपनी मेमोरीज ऐसे बनाती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप जाके वहाँ क्या करते हो, क्या चेंज करते हो? एक्चुअली मेरा एक मिशन होता है, वो आपको बाद में पता चलेगा। सो उस एक्चुअली थीम ये है, मेरा अपना पर्सनल मिशन होता है एक्चुअली, लाइक फैमिली से रिलेटेड मिशन है। बट होता ये कि मुझे वहाँ की, मुझे ये है कि ऑफकोर्स इंडिया है, इंडिया में कभी कहीं पे भी जा सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मुझे उस बारे में पता नहीं होता कि एक ऐसा विलेज एग्जिस्ट करता है देवसु नाम का। सो मैं रैंडमली जाती हूँ अपने मिशन के लिए, बट वहाँ पे जाके रियलाइज़ होता है कि वहाँ पे अलग ही कुछ सीन है, यू नो वहाँ पे ऐसे रूल्स हैं, वहाँ पे लोगों को पता ही नहीं कि फ़ोन्स क्या हैं, ये क्या है। सो वहाँ पे जाके बेसिकली मैं डिस्कवर करती हूँ एक अलग ही दुनिया इंडिया के अंदर ही। नहीं, उन लोगों को पता चलता है धीरे धीरे लाइक कि ये क्या है, क्योंकि उन्होंने कभी लाइफ में देखा ही नहीं ये सारी चीज़ें। वो इसी 2017 के ही लोग हैं, बट वो बिलीव नहीं करते।
वो थोड़ा फन पार्ट है कि उन्हें खुद खुद पता चलता जाता है धीरे धीरे, क्योंकि मैं भी डिस्कवर कर रही हूँ शो में कि आगे क्या हो रहा है क्या हो रहा है, वो भी डिस्कवर कर रहे हैं कि इसके पास क्या है, क्या मॉडर्न चीज़ें हैं, क्या वो टेक्नोलॉजी है मेरे पास. फिक्शन फिक्शन काफ़ी बड़ा है ऑफ कोर्स, आप देख सकते हैं. हाँ जी, डेली सोप मंडे टू फ्राइडे. सीरियस ड्रामा है या कॉमेडी है? सब चीज़ का मिक्सचर है, आपको रोमांस भी देखने मिलेगा, कॉमेडी भी देखने मिलेगी, थ्रिलर, एक्शन, सब कुछ, पूरा पैकेज है. नहीं, एक्चुअली हम लोगों ने जो टच रखा है वो मराठी है, मेरा लुक पूरा मॉडर्न गर्ल का है. सिटी गर्ल, मॉडर्न पूरी. अराउंड 20-30. अगर एवी का बात करें तो एवी में आपका जो है कि आजकल का उद्योग को ज़्यादा फोकस किया है एज कम्पेयर टू मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी, आप जैसे उसको प्रमोट करते हैं, जैसे सोलार का दिखाया है या अदर, एक बिटवी है कि यहाँ पे कारखाना नहीं है जी, इसलिए एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट क्या आता है आपके विजन के बाद? मेरा इम्पैक्ट ये आता है कि अच्छा लोगों का ओके सो लोगों का ये आता है कि जब प्रॉब्लम ही नहीं है तो प्रॉब्लम कैसे होगी, लाइक अगर पैसे ही नहीं है तो आप पैसे क्यों कमाओगे, वो वाली बात आ जाती है यहाँ पे. आई मीन जो सही मतलब कि एक हाथ का आयोग है, उद्योग है, तो उसमें सभी जितना भी गांववासी हैं वो उसमें इन्वॉल्व है. All are doing some small job work, उसको assist करते हैं as a fabricator या something else. Similarly smart person. जब आप उसको promote करते हैं industry को, वहाँ पे जाके आप industry लगाएं या इसके ऊपर industry को promote करते हैं, ये क्या करते हैं? नहीं नहीं, मैं उसमें कोई industry promote नहीं कर रही हूँ ऐसा. रुमन कहाँ से यहाँ पर से? मैं दिल्ली से belong करती हूँ. पंजाबी albums में कैसे आना? एक्चुअली ये मेरा शौक था, सीरियल्स में स्टार्टिंग से करना चाहती थी बट उस टाइम नहीं हो रहा था, तो मैं बेसिकली धीरे धीरे म्यूज़िक वीडियोस में ही, आपने देखी होंगी अगर मेरी म्यूज़िक वीडियोस तो स्टोरी बेस्ड होती हैं ज़्यादातर, सो मैं स्मॉल स्मॉल स्टोरीज करती थी एज अ म्यूज़िक वीडियो, वहाँ से स्टार्ट हुआ ये सब. तो पंजाबी बोल रहे थे? नहीं, आप बोलेंगे मैं आपको कॉपी कर सकती हूँ. मुझे समझ आ जाती है थोड़ी थोड़ी. हाँ जी. बाजीराव का लुक बहुत यंग है वो. हाँ, वो सरप्राइज पैकेज है, वो आपको फर्स्ट एपिसोड में फुल ऑन दिखाई देंगे, सरप्राइज पैकेज है वो हमारे. दिल्ली से? जी. तो अभी मुंबई में शिफ्ट हो गए? हाँ जी, मैं मुंबई शिफ्ट हो गई. वापस नहीं आएंगे चंडीगढ़? चंडीगढ़ देखिए आई हूँ ना. अरे ऐसी बात नहीं है, चंडीगढ़ की मैं हमेशा थी और हमेशा ही रहूँगी. ऑफ कोर्स यहीं से स्टार्ट हुआ है सब कुछ.